तो हम लोग आज तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग जो है वो डेफिनेटली आपकी फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइनिंग जिसको हमने पहले स्टडी किया था उससे काफी बेटर है। इसमें क्या होता है, तो यू पीपल ऑल विल हैव आइडिया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, बट वी शैल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसको कुछ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देते हैं या डेटा के रिस्पेक्ट में। जैसे कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम लोग का सारा फोकस होता है कि हमारे प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है। उसमें हम लोग फंक्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं और कोई भी मॉड्यूल को हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो एक सर्टेन डेफिनेटली फंक्शन के ऊपर ना चला जाए। तो इस अप्रोच को मॉडिफाई करने के लिए जो एक अप्रोच आया वो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हमारा फोकस फंक्शन पे ना होकर के डेटा पे होता है, डेटा में होता है। तो इसके अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से क्लासिफाई करेंगे और हम लोग अपने सारे चीजों को, सिस्टम को, प्रोजेक्ट को फाइनली डेटा फॉर्म और उसके एट्रीब्यूट सेट के तौर पे देखते हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा बट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच होता है वो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच से मच मच बेटर होता है। तो इसलिए आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाने वाला सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस है, जिसमें हम लोग फोकस डेटा पे करते हैं और ऑब्जेक्ट डेटा को डेटा ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाए तो हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग का हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेल्फ इंटरेक्टिंग मोड में दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका होता है जो कुछ सर्टेन स्टेट्स में जाता है और सर्टेन डिफाइंड स्टेट्स में ट्रेवल करता है, चेंजेस करता है और उसे कुछ सर्टेन ऑपरेशंस होते हैं। मैं मेथड से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत तरह के हो सकते हैं, हर जगह ऑब्जेक्ट के अलग अलग मीनिंग होंगे। तो ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ सर्टेन डिफाइंड स्टेट्स होती हैं और वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बताएंगे। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाए तो ऑब्जेक्ट को आप लोग, ऑब्जेक्ट हैव यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड आर डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिकली आइडेंटिफेबल होता है और आपका क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है। अब आपका क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपस में कुछ मैसेज पासिंग करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है और जो उसकी सर्विस होती है उसमें कुछ कंप्यूटेशंस भी परफॉर्म करता है। तो ये आपके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने अगर आप दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने लिया दो के टू बनानास लिए, तो हो सकता है वो देखने में सेम हो, सब कुछ सेम हो, बट दे कैन बी आइडेंटिफाइड, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है अगर वो आपस में यूनिकली आइडेंटिफाइबल और डिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। अब आपका ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या होगा कि मैं बताऊंगा कि आपका, जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ मीनिंगफुल डेटा होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा आपका मीनिंगफुल डेटा होगा जिसके बेसिस पे वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा और डिस्टिंग्विशेबल होगा। आइडेंटिफाई मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सर्टेन एट्रीब्यूट सेट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी कुछ डेफिनेशंस होगी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन होगी क्या क्लास होगी क्या आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर कुत्ता है उसका नाम मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया स्कूबी डू है और डॉग आपकी क्लास हो गई। डॉग क्लास के अंदर बहुत सारे कुत्ते हो सकते हैं, सारे कुत्ते डॉग क्लास के मेंबर हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी आप उनको ब्रीड के बेसिस पे अलग अलग क्लास में, सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। उस सब क्लास में भी मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया है डालमेशियन लिया है, तो डालमेशियन में भी आपके कुछ बहुत सारे कुत्ते होंगे, उनमें एक कुत्ता मैंने मान लीजिए स्कूबी डू लिया है उसका नाम, तो वो आपका क्या हो गया, डिस्टिंग्विशेबल है और वो आपके एक ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। अब आपका इसमें जो मैंने वही क्लास और ऑब्जेक्ट में, क्लास आपकी क्या होती है, एक जनरलाइजेशन होता है। क्लास इज अ जनरलाइजेशन कि आप क्लास में क्या होता है कि आपको उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। हम कहें अगर क्लास रिप्रेजेंट्स अ टेम्पलेट फॉर सिवरल ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्राइब हाउ दीज ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर इंटरनली, तो हमारा
ये बताता है कि जैसे मैंने बोला अगर डॉग्स, तो डॉग्स में बहुत सारे डॉग्स आएंगे, वो कई सारे छोटे डॉग्स भी आएंगे, बहुत बड़े डॉग भी आएंगे, तो हर डॉग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बहुत चीजें हैं, कोई बहुत मोटे बड़े बाल होंगे, कोई आपका थोड़ा वाइल्ड नेचर के होंगे, कुछ ठंडे जगह पे रहने वाले होंगे, कुछ गर्म इलाकों के होंगे, वो डिफरेंट होंगे, बट इट इज अ टेम्पलेट, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर सिवरल ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर्ड इंटरनली। तो इसकी वजह से आपको किसी क्लास में आप लोग एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि वो सारे जो नंबर एलिमेंट्स हैं वो एक कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट सेट को सेटिस्फाई करते रहेंगे। तो आप लोग का क्लास के बारे और ऑब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्लास एक जनरलाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया, अगर मैं और भी क्लास भी आपका एक बस टेम्पलेट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास का हमेशा क्लास होगी। अगर मैं एक एनिमल क्लास ले लेता हूँ तो इवन डॉग और बर्ड दोनों ही उसके क्या हो जाएंगे, सब क्लास हो जाएंगे। तो इसके बारे में, क्लास के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लास को आप लोग समझ लिए सबने कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन क्लास से बिलोंग करता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास का क्या कहलाता है, इंस्टेंस कहलाता है। जैसे कि एनिमल क्लास का डॉग जो है एक इंस्टेंस है, क्या होगा, एनिमल अगर एक क्लास है तो डॉग जो होगा उस एनिमल क्लास का एक इंस्टेंस होगा। इसी तरह डॉग क्लास में अगर मैं डालमेशियन ले रहा हूं तो डॉग क्लास का डालमेशियन एक सब क्लास है या उसका एक इंस्टेंस है, क्योंकि तो डालमेशियन में भी बहुत सारे होंगे, तो ये चीज होगा आपका। तो इसी तरह से हमारा क्लास आप लोग समझ गए, क्लास में आपने एक इंस्टेंस को भी मैंने बता दिया। अब आपका कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स आर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड और सिस्टम एंटिटीज। तो इसमें हमारा एक काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी चीज को ऑब्जेक्ट तौर पे हम लोग शो कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने अगर एक मान लीजिए कार को शो किया, तो कार का हम जब एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो कार का बाहर का शेप दिखा देते हैं बस, और उसका बहुत एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्लच दिखाया, गियर दिखाया, ब्रेक दिखाया, लेकिन कार में इसके अलावा बहुत से फीचर होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन करते समय हम कुछ सर्टेन फीचर को हाईलाइट कर देते हैं और अदर फीचर्स को हम लोग हिडन कर देते हैं। तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। जैसे कि गाड़ी का अगर एब्स्ट्रैक्शन किया जाए तो मैकेनिक के लिए इंजन, बैटरी सब इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को देखता है। अगर हम मैकेनिक लेवल का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे अंदर गाड़ी के अंदर हम इंजन भी शो करेंगे, हम अपनी बैटरी को भी शो करेंगे, वायर को भी शो करेंगे, तो उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दूसरा होगा मैकेनिक के लेवल पे। लेकिन ये डिपेंड करता है यूजर पे, आप किस यूजर के लिए एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंजन मैकेनिक से भी पूछेंगे कि बैटरी के अंदर क्या है, तो वो नहीं जानता कि बैटरी किस केमिकल रिएक्शंस कर रही है, क्या उसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, क्या बन रहा है, वो बस बैटरी जानता है। तो अगर हम इंजीनियर के पर्पस से देखेंगे तो इंजीनियर उसके जो बैटरी पे काम कर रहा है उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमारा दूसरा होगा, और उसमें वो बैटरी के इंटरनल डिटेल्स को भी स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका लेवल ऑफ एक एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारा। ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट एंड इनकैप्सुलेट स्टेट एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो हम मैंने बताया ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन स्टेट्स में रहते हैं, तो उसके अंदर वो स्टेट्स होती है और वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके साथ साथ उसमें स्टेट होती है और ऑपरेशन होते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें एसोसिएट होती हैं, वो कुछ सर्टेन स्टेट्स में जा सकता है और कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें जुड़ती हैं, एक होता है स्टेट और एक होता है पॉसिबल ऑपरेशंस। तो इसमें आप लोग का ये दो चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है कि हर ऑब्जेक्ट कुछ सर्टेन स्टेट्स में जा सकता है, कुछ सर्टेन ऑपरेशन कर सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में शो कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास सिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग स्टेट में है, जहाँ पे स्टेट्स को स्टेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके सिक्स स्टेट्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग स्टेट्स में हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑपरेशन के लिए इंटेंडेड हैं। तो वो अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए रेडी हैं, उनके उनके ऊपर वो ऑपरेशन रन हो रहा है। तो ये हमारे हर ऑब्जेक्ट के साथ में आपको ये ध्यान रखना है, एक स्टेट होती है और एक उसके साथ ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है। अब आपका ये बोलना है कि मैंने बोला ये बच बेटर है फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से, तो अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें एडवांटेज है जिसकी वजह से ये उनसे से बेटर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात होती है इजी टू मेंटेन होता है, और इसको अलग अलग एंटिटीज को करके देखने समझने में आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। फंक्शन ओरिएंटेड में फंक्शन से वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और
और आपस में स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो इसलिए आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसान होता है, मेंटेनेंस भी इसका ज्यादा इजी होता है। और इसके कंपोनेंट्स चूंकि सेपरेट होते हैं तो ये रियूजेबल कंपोनेंट भी प्रोवाइड करता है। और इस ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलप में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें एक फीचर आपका लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल डेवलाया जाता है इसके सिस्टम के लिए, मैं सब बताऊंगा। तो आप लोग जैसे कि कुछ हर ऑब्जेक्ट में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी क्लास का मेंबर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास का मेंबर है तो वो कुछ सर्टेन स्टेट्स प्रॉपर्टी उस क्लास से क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है या अडॉप्ट कर लेता है। अगर वो उस क्लास का सब क्लास है तो जो मेन क्लास की प्रॉपर्टीज होगी वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, सब क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएगी, और वो एट्रीब्यूट सेट क्या हो जाएगा, उस क्लास मेन क्लास का एट्रीब्यूट सब क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इनहेरिट कर लिया जाएगा। तो इसमें यही चीज बोली गई है, ऑब्जेक्ट्स तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी क्लासेस होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। अब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं, और एक दूसरे को मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे से क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। जैसे पिछले डायग्राम में मैंने दिखाया था कि यहाँ पर आपका देखिए कुछ एरो से पास हो रहा था, यहाँ देखिए पास हो रहा है, तो ये आपस में मैसेज पासिंग हो रही है और मैसेज पासिंग के थ्रू ये डील कर रहे हैं। तो क्या होता है मैसेज, मैसेज दन ये बताता है कि वो सर्व ऑब्जेक्ट टारगेट को, टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी पर्टिकुलर सर्विस रन करना चाहता है। कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द सर्विस एंड द नेम ऑफ द होल्डर फॉर द रिजल्ट ऑफ सर्विस, कि उस मैसेज में ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट से किस तरह के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैसेज आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर कॉल, तो आपका जो मेथड है उसमें ये डिफाइन लेगा कि क्या वो चीजें चाहता है, पैरामीटर लिस्ट, और क्या कैसे वो रिजल्ट को लेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स लेगा, तो वो बताएगा किस मेथड से वो अपने पैरामीटर रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन करेगा और किस तरह से वो अपना रिजल्ट को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका मान लीजिए कॉल अ मेथड बफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट रिटर्न द नेक्स्ट वैल्यू इन द बफर। जैसे अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करवानी है तो यहाँ पर दिखा है सर्कुलर बफर डॉट गेट, तो गेट फंक्शन के थ्रू वो एक बफर में क्या ले रहा है, अपना नेक्स्ट वैल्यू को कॉल कर ले रहा है। इसी तरह थर्मोस्टेट सेट टेम्परेचर, थर्मोस्टेट का टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर दिया जा रहा है 20 डिग्री के ऊपर। तो ये मैसेज किस तरह से कमांड दिया जाता है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें। अब इसमें इनहेरिटेंस के बारे में क्या है, देखिए कि मैंने आपको बताया था अभी कि क्लास में बी अरेंज्ड इन अ क्लास हायरार्की, हम अपनी क्लास और सब क्लास के बीच में एक हायरार्की क्रिएट करते हैं जहां पर एक सुपर क्लास होती है और एक सब क्लास होती है। सुपर क्लास अपने अंदर आने वाली सब क्लास का एक जनरलाइजेशन होती है, और सब क्लास जो होती है उसके एट्रीब्यूट और ऑपरेशन होते हैं जो उसमें सब क्लास में डिफाइंड है, बाय डिफॉल्ट अपने सुपर क्लास के मेथड और क्लास को एट्रीब्यूट को इनहेरिट कर लेती है, कि जिस क्लास का वो पार्ट है वो प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी उसमें आएगी और जो उसने डिफाइन की है उसकी वो भी आएगी। ठीक है, तो इसमें रीयूज किया जाता है एक तरह से, कि अपने सब क्लास के मेथड्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको इनहेरिट करके रीयूज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक हायरार्की क्रिएट की गई है जिसमें आप लोग की एक एम्प्लॉई क्लास है, एम्प्लॉई के अंदर में आपके मैनेजर भी आते हैं, प्रोग्रामर भी आते हैं, और इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट, जो प्रोग्रामर होते हैं प्रोजेक्ट पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम करते हैं, मैनेजर बजट कंट्रोल पे काम करते हैं। अब मैनेजर क्लास को फिर फर्दर सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरह के मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और स्प्रेडशीट मैनेजर, वो सबकी वर्किंग अलग है। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर डिपार्टमेंट पे, और स्ट्रेटजिक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से एक हायरार्की क्रिएट की गई है। अब जैसे कोई जो आपकी जो बजट कंट्रोल या डेट अपॉइंटेड है तो वो बाय डिफॉल्ट के जो ऑपरेशन मैनेजर के हैं वो उसकी सब क्लासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें इनहेरिट हो जाएंगी। फिर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, तो इसमें आपका क्या होता है, हम लोग रिलेशनशिप दिखाते हैं कि हमारे दो ऑब्जेक्ट आपस में किस रिलेशन से, आपस में व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन देम। तो एम्प्लॉय क्या है, इज अ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इज मैनेज्ड बाय मैनेजर्स,
तो ये उनका रिलेशन दिखा देता है जिसको ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, हर ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा। तो क्या होता है, आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। किसे आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें आपको कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस से आपको ये चीजें आती हैं। कुछ फिक्स नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आईडी ही होगी। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट सेट भी यूज करने पड़ सकते हैं। हो सकता है एक एट्रीब्यूट सिंगल क्लासिफाई करने के लिए सफिशियंट ना हो, ठीक है। तो अप्रोच आपके जो होंगे क्या होगा, तो इसमें तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा एट्रीब्यूट सेट के ऊपर। आपको ऑब्जेक्ट का इंटरफेस का भी स्पेसिफिकेशन देना उतना ही जरूरी होता है कि आपके दो ऑब्जेक्ट आपस में किस तरह के इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे, और आपको इंटर बट डिजाइनिंग करते समय हम लोग इंटरफेस वाले पार्ट को हाइड कर देते हैं, क्योंकि वो भी आपका क्या होता है, काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इंटरफेस वाले पार्ट को क्लास डायग्राम की हायरार्की में डिजाइनर अवॉइड करते हैं कि वो बस ऑब्जेक्ट को दिखाएं, ऑब्जेक्ट इंटरफेस को वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजाइनर, देखिए, डिजाइनर शुड अवॉइड डिजाइनिंग द इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन बट शुड हाइड दिस इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें ऑब्जेक्ट इंटरफेस को आप लोग के डायग्राम में एक तरह से हाइड कर दिया जाता है। कैसे कर रहे हैं ये बाद में, एक ऑब्जेक्ट के पास एक से ज्यादा आपके इंटरफेस और व्यू पॉइंट भी और मेथड्स हो सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर है कि वेदर सबस्टेशन सिस्टम है, तो यहाँ पर आपका सबसिस्टम इंस्ट्रूमेंट है, ये अलग अलग तरह का एक बनाया गया है, और आपका डेटा कलेक्शन सीक्वेंस भी इसके अंदर यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ये आपका डेटा कलेक्शन सीक्वेंस है कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्लास से कौन सा डेटा इनपुट लिया जा रहा है। क्लास की हायरार्की देखिए बीच में डॉटेड लाइन से शो की जा रही है, और किस टाइप का इनपुट लिया जा रहा है और कैसे कहाँ से पास हो रहा है ये क्लियरली दिखाई जा रही है। विच काइंड ऑफ इनपुट इज रिक्वेस्टेड बाई समवन एंड किस तरह से ऑब्जेक्ट लिया जाता है। तो देखिए हर लेवल पे कंज्यूमर कंट्रोलर, इसमें देखिए लास्ट डायग्राम से आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो इसके साथ ही साथ हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्टेट चार्ट भी होता है कि हम लोग अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो किन किन स्टेट से पास होते हुए अपने फाइनल स्टेट में जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या उनके बीच में क्या से किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट चार्ट। ऑब्जेक्ट जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस सीक्वेंस के थ्रू जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेट चार्ट कहते हैं। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस है। तो इसमें मैं इसके बहुत सारी उसमें नहीं जाऊंगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट कह रहे हैं तो एट्रीब्यूट इज अ डेटा वैल्यू हेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द क्लास। जो भी डेटा वैल्यूज डेटा एक ऑब्जेक्ट जो क्लास का है वो होल्ड करता है वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है, डेटा वैल्यू है। एट्रीब्यूट क्या होता है, डेटा वैल्यू, तो ये आपका होता है। तो अब आप लोग इस चीज से ये देखेंगे। अब मैं एक और पॉइंट छूट गया जो पॉलीमॉर्फिज्म, जो इन्होंने बहुत थोड़े से में बात करके छोड़ दिया है। तो इनहेरिटेंस, और पहली बात इनहेरिटेंस मैंने बताया, अब मैं आपको एक बार पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी बताना चाहूंगा कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आप लोग ने पढ़ा है, पॉलीमॉर्फिज्म सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपका यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने किया पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि अगर मान लीजिए शेप्स की बात की जाए, एक क्लास बात की जाए शेप, तो मैं शेप की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए उसमें लूम है और उसमें एक ट्राइंगल शेप है, एक सर्किल है, एक रेक्टेंगल है, और ये सारे के सारे एक क्लास शेप के सब क्लासेस हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला बनाऊं एरिया, बट ये एरिया जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बना हुआ है वो शेप में डालने पे वो चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्किल हो, सबके एरिया को कैलकुलेट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक ही फंक्शन हमने एरिया डिफाइन किया, बट वो एरिया के लिए डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इनपुट वो क्या डिफाइन कर देता है, अलग अलग शेप्स के एरिया को कलेक्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जो एब्स्ट्रैक्शन करते समय आपके लिए सबसे अधिक ज्यादा सपोर्टिव होता है। तो अब एक और टर्म है जिसमें अंदर आपको मैं बोलना चाहूंगा, इनकैप्सुलेशन, दैट इज द लास्ट वन। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है,
इनकैप्सुलेशन इज ओनली रेफर्ड एज द इंफॉर्मेशन हाइडिंग. इनकैप्सुलेट करना मतलब डेटा को हाइड करना. तो इसके अंदर हम लोग डेटा को किसी पैकेट कवर के अंदर में पास करके हम लोग पैक कर देते हैं और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, तो कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल बाय अदर ऑब्जेक्ट थ्रू द मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तब आपको उसको ऑब्जेक्ट के जो डिफाइंड मेथड हैं उनके थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. आप उसको बिना ऑब्जेक्ट के मेथड को जाने हुए डायरेक्टली आप उसको आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो इससे हम लोग एक डिफाइंड हो जाता है, तो एक तरह का हाइड हो जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विच आर सेंडिंग डेटा. तो ये आप उनके डिफाइंड मेथड होते हैं तो आप उसको हाइड कर सकते हैं. तो इसमें आप लोग का कोई चेंजेस लाने के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं इनकैप्सुलेशन. तो ये सारा आपके बारे में हो गया आज तक जो मैंने आप लोग को बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में. तो